फ्रेंड्स, योगा विद रानी चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम बैक पेन की। कमर दर्द सबसे ज़्यादा गलत बैठने के पोस्चर की वजह से होता है। हम बैठते समय हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। आप लैपटॉप पे बैठे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, घर में टीवी देख रहे हो, उस टाइम आपका बैठने का पोस्चर हमेशा सही तरीके से होना चाहिए, आपका कमर दर्द कम रहेगा। जो जैसे झुक के बैठने से, जैसे लैपटॉप पे बैठे हो आप, जैसे झुक के बैठते हो, मोबाइल देखते हो तो झुक के देखते हो, अब रिलैक्स कर रहे हो तो भी आप अपना बैठने का पोस्चर हमेशा सही तरीके से रखना, उससे आपकी कमर दर्द नहीं होगी। जिसको ज़्यादा कमर दर्द होता है वो हमेशा अपना गर्म थैली जो होता है पानी का, उससे आप सेकाई करो, उससे बहुत कंफर्टेबल रहेगा, उससे आपकी रीढ़ की हड्डियाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो गर्म होगी तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। उसके बाद हम जब गाड़ी चला रहे हैं या तो बाइक चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं आप, उस टाइम पे आप बैठते समय हमेशा स्ट्रेट होके बैठना तो आपका कमर दर्द नहीं होगा। आप जब घर में लेटे हो बेड पे, आप जब रात को बेड पे सोते हो तो आपका जो गद्दा है वो गद्दा अगर मोटा होगा तो भी आपका कमर दर्द होता है। तो आप हमेशा कड़क वाला जो गद्दा होता है उसके ऊपर सोने की आदत लगाना तो आपको कमर दर्द कम होगा। और उसी का कुछ एक्सरसाइज भी है तो हम वो एक्सरसाइज देखेंगे। आप अपने बेड पे लेट जाना और आप एक गद्दा आप एक तकिया ले लेना सर के नीचे में, और वो एकदम सॉफ्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला जब आप कोई भी कमर का, बैक पेन का जो भी एक्सरसाइज करोगे, अपने कमर के नीचे हमेशा गर्म पानी की थैली लेना है और ताकि आपकी मांसपेशियां गर्म रहेगी, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करना है। फ्रेंड्स, पहला वाला एक्सरसाइज रहेगा, अपने दोनों पैर अपने हिप्स के पास लेना है और अपना कमर को उठाना है और अपने कमर को अपने हाथों से सपोर्ट करना है। आप जितना उठा पाओगे उतना उठाना है और आराम से एकदम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे वापस नीचे ले आना है। फिर से एक सेकेंड, दो सेकेंड होल्ड करना है, देन अगेन धीरे वापस लाना है। आप इसको 10 टाइम जरूर करना है। रिलैक्स। उसके बाद राइट वाला लेग दोनों हाथों से पकड़ के अपने चेस्ट के पास खींचना है, आप जितना खींच पाओगे। होल्ड करना है, रिलैक्स। नेक्स्ट वाला चेस्ट के पास खींचना है, आपके ग्लूट्स में आपको प्रेशर होगा, हिप वाले एरिया पे ग्लूट्स में आपको खिंचाव लगेगा। इसको भी आपको 10 टाइम करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और चेस्ट के पास प्रेस करना है आपको और होल्ड करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट, आप दोनों पैरों को अपने हाथ चेस्ट पे रखना है और दोनों पैरों को धीरे 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 नीचे लेके जाना है। ऊपर का पोर्शन आपका स्ट्रेट रहेगा, बस आपके दोनों पैर साइड में जाएंगे, आपके हिप वाले कमर पे आपको प्रेशर मिलेगा।
रिलैक्स। अभी लेफ्ट वाला हैंड इधर रखेंगे हम साइड में और लेफ्ट वाला लेग इसको टच करेंगे। आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। अगर आपका फर्स्ट में नहीं हो रहा है तो आप इधर ही उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हाथों को और पैरों को टच होना की आदत लगाना, मतलब धीरे 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 कोशिश जरूर करना। आपके इस साइड के पोस्ट पे प्रेशर पड़ेगा। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथों को अपने नी पे रखना है और अपना बस गर्दन वाला पोस्ट ऊपर उठाना है, ताकि आपका पीछे का जो स्पाइनल और आपका पीछे का जो मांसपेशी है उस पर, और अपना सर एकदम स्ट्रेट रखना है ऊपर की तरफ, ना ही अपने घुटने की ओर देखना है, ना ही इधर, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं पे भी नहीं देखना, एकदम स्ट्रेट ऊपर देखना है और बस अपने सर को उठाना है, होल्ड करना है, नीचे लेके जाना है, वापस ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे लाना है। आप घुटने की ओर नहीं देखोगे, लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखोगे, अगर देखोगे तो फिर आपके गर्दन में आपको दिक्कत होगा। अब जितना उठा के होल्ड कर पाओगे उतना करना है। आपकी रील की हड्डी पे प्रेशर बन रहा है। टेन टाइम इसको जरूर करना है। रिलैक्स। दोस्तों, आप इसको डेली अगर सुबह में 10 टाइम, हर एक्सरसाइज सुबह में 10 टाइम, इवनिंग में 10 टाइम इसको करोगे तो आपका कमर का दर्द डेफिनेटली कम होगा। बट आपका बैठने का पोस्चर, आपका रिलैक्स करते हो उस टाइम, शायद आपके बैठने के जो पोस्चर है वो हमेशा सही तरीके से रखना, दर्द कम होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।